गुड मॉर्निंग अग्रसेन पीजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एल्कोहल पढ़ाए थे। अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन मैंने दो प्रकार से बताया था। एक तो बताया था नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग और सेकेंड बताया था R के अकॉर्डिंग। ये क्या है आपका एल्कोहल? एक तो मैंने बताया था OH ग्रुप के अकॉर्डिंग। OH ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या बताए थे? मोनोहाइड्रिक, सेकंड डाइहाइड्रिक, थर्ड ट्राइहाइड्रिक, फोर्थ पॉलीहाइड्रिक। मैंने चार कौन कौन से बताए थे आपको? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। जिसमें मैंने बताया था मोनो मतलब वन, जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक। जिसमें तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक। जिसमें तीन से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था मैथिल एल्कोहल CH3OH, जिसमें एक OH ग्रुप है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। इसका एग्जाम्पल लिया था मैंने एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH। इसमें कितने OH ग्रुप हैं? दो OH ग्रुप हैं इसलिए इसे क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक का एग्जाम्पल लिया था मैंने ग्लिसरॉल ये क्या है? ग्लिसरॉल। इसमें कितने OH ग्रुप हैं? 1, 2, 3 इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक। इसके एग्जाम्पल मैंने लिए थे मैनीटॉल, मैनीटॉल। दूसरा एग्जाम्पल लिया था मैंने सार्बिटॉल। ये इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीहाइड्रिक के। इसमें लगभग 6 पाए जाते हैं OH ग्रुप और इसमें लगभग 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखिए आर ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने इनको एल्कोहल्स को तीन भागों में बांटा था। इसको क्लासिफाइड तीन भागों में किया था। फर्स्ट प्राइमरी, जिसे मैंने 1 डिग्री बोला था। सेकंड सेकेंडरी, जिसे मैंने 2 डिग्री बोला था। थर्ड टर्शियरी, जिसे मैंने 3 डिग्री बोला था। अब देखिए 1 डिग्री का एग्जांपल हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे? ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अब देखिए हम इसको क्लासिफाइड करने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे एल्कोहल जो हमको कंपाउंड दिया हुआ है। अब देखो एल्कोहल में OH ग्रुप होगा। अब ये OH ग्रुप किससे कनेक्ट होगा? कार्बन से। OH ग्रुप किससे कनेक्ट होगा? कार्बन से। OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट होता है वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है वो उसकी क्या बताएंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। एक तो OH ग्रुप से सेटिस्फाइड है, बाकी बची हुई 3। यदि एक वैलेंसी एक कार्बन से अटैच्ड है और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो ये कौन सा कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री। मतलब जो OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री। यदि यही कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो ये 2 डिग्री। और यदि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यही एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में देखिए 1 डिग्री का। 1 डिग्री में अपन पढ़ते हैं एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल मैंने बताया था OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जितने कार्बनों से जुड़ा OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? ये CH2 समूह वाला। अब ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से। कितने कार्बन से? सिर्फ एक कार्बन से। तो ये कितने डिग्री एल्कोहल होगा? 1 डिग्री एल्कोहल। ये कितने डिग्री एल्कोहल होगा? 1 डिग्री एल्कोहल। सेम हम 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला है सबसे पहले OH ग्रुप को देखो। OH ग्रुप देखा, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है?
ये वाला कार्बन। अब ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। और इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब हम देखते हैं 3 डिग्री का एग्जांपल, ये तो किसका था, 2 डिग्री का, अब ये 3 डिग्री का। देखो वही हम एल्कोहल में सबसे पहले क्या देखेंगे, OH ग्रुप देखा, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन। अब ये कार्बन कितने कार्बनों से अटैच है, वही उसकी क्या होगी, डिग्री। तो कितने कार्बनों से अटैच है, 1, 2 और 3, तो ये कितने डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। अब हम समझ में आया कैसे क्लासीफाइड करना है, कि 1 डिग्री कैसे देखते हैं, 2 डिग्री कैसे देखते हैं, 3 डिग्री कैसे देखते हैं। अब ये तो हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉमनक्लेचर ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहलों का नामांकन। अब देखो एल्कोहलों का नामांकन, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में नामांकन की 3 पद्धतियां होती हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC नेम, IUPAC पद्धति। तो हम यहां पे लिखेंगे यौगिक, उस यौगिक का फर्स्ट कौन सी पद्धति थी, रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में नाम क्या होगा, सेकंड। व्युत्पन्न में नाम क्या होगा, थर्ड। IUPAC नेम क्या होगा। कोई भी एक यौगिक है, एल्कोहल लेंगे, कोई भी एक एल्कोहल का कंपाउंड लेंगे, उसमें तीन, उसका नाम 3 पद्धतियों में क्या क्या होगा वो सब देखेंगे। सबसे पहला, सबसे छोटा एल्कोहल होता है आपका CH3OH, इसका रूढ़ पद्धति में नाम होता है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अब देखिए मेथिल एल्कोहल क्यों नाम होता है इसका, ये किस किस से बना हुआ है, CH3 और OH। CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मेथिल ग्रुप, और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। और व्युत्पन्न पद्धति में, क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप का फर्स्ट यौगिक है तो व्युत्पन्न इसे आधार मानते हैं, तो इसका नाम व्युत्पन्न पद्धति में होता है कार्बिनॉल। इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम क्या होता है, कार्बिनॉल। और IUPAC में नाम क्या होगा, क्योंकि IUPAC कैसे देखते हैं, कितने कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन की श्रृंखला के लिए बर्ड रूट मैथ। OH ग्रुप के लिए क्या लगता है, सफिक्स क्या लगता है, ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये तो हो गया इसका फर्स्ट कंपाउंड। अब सेकंड कंपाउंड देखिए, C2H5OH, जिसे कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए इस ग्रुप को, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। इसको क्या बोलते हैं, एथिल। और ये क्या है, एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा रूढ़ पद्धति में, एथिल एल्कोहल। अब देखिए कार्बी, अब व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति मतलब किसी एक चीज को हम कहते हैं
ये इसका व्युत्पन्न है, तो हम उस चीज को क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो इसका फर्स्ट यौगिक जो होता है, इसमें का फर्स्ट यौगिक क्या है, मेथिल एल्कोहल या कार्बिनोल, उसको हम आधार मान के इसके व्युत्पन्नों के नेम लिखते हैं। अब देखो यहां पर कार्बिनोल क्या होता है, ये होता है कार्बिनोल। अब इसका मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप, और CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेथिल। और ये तो अपना वही कार्बिनोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। व्युत्पन्न पद्धति में इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। समझ में आया कि मेथिल कार्बिनोल कैसे हुआ। अब देखिए IUPAC नेम में वही कितने कार्बन की श्रृंखला है, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए देखिए ये कितने कार्बन श्रृंखला है, दो। दो कार्बन के लिए बड़ रूट क्या आता है, एथ। सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए सफिक्स क्या आएगा, एन। और OH ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या आता है, ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ये समझ में आ गया होगा कि हमने रूढ़ पद्धति में एथिल एल्कोहल नाम लिखा, इसका मेथिल कार्बिनोल कैसे लिखा और एथेनॉल कैसे लिखा। अब नेक्स्ट इसका नेक्स्ट कंपाउंड आता है CH2OH। ये क्या है, प्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1, 2, 3। 3 के लिए प्रोप आता है, और रूढ़ पद्धति में हम क्या लिखते हैं, इसका नाम प्रोपिल और OH के कारण एल्कोहल। N क्यों लगाया, N का रीजन है कि ये सीधी श्रृंखला है। N का मतलब क्या है, ये एक सीधी चैन है, स्ट्रेट चैन है। अब देखिए इसका नाम व्युत्पन्न पद्धति में क्या होगा, देखिए CH3OH क्या होता है, वही कार्बिनोल होता है। मैंने बताया था आपको कि हमको ऊपर वाला जो फर्स्ट यौगिक होता है उसको क्या मानना है, आधार। अब उसका मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, है तो कार्बिनोल, उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसको प्रतिस्थापित कर दिया किसके द्वारा, C2H5 के द्वारा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। और ये जो अपना ये वाला ग्रुप है, ये क्या है, अपना कार्बिनोल, क्योंकि हमने इसका एक एच ही तो हटाया है, एक एच हटा के कोई प्रतिस्थापी लगा दिया, और प्रतिस्थापी के नाम को हम पहले लिखते हैं, आपको पता है, तो इसलिए एथिल और उसके बाद कार्बिनोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनोल। अब देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा, वही कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की, 1, 2, 3। 3 के लिए क्या आता है, प्रोप, और प्रोप सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए एन, तो प्रोपेन। OH ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगेगा, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अब देखिए 3 कार्बन की श्रृंखला में एल्कोहल एक इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और इस वाले ग्रुप को जो ये इस प्रकार बना हुआ है ग्रुप, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। अब देखिए हमने व्युत्पन्न पद्धति में नाम लिखना है,
व्युत्पन्न पद्धति में मैंने बताया था हमको आधार क्या मानना है, वो ही CH3OH। अब CH3OH के कितने H हटाए और क्या लगाया, कितने H को हटाया और क्या लगाया, जो लगने वाले हैं वो क्या है, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापियों के नाम लिख देंगे और लास्ट में कार्बिनॉल। तो देखिए हमने CH3OH में से उसके दो H हटा दिए और दो CH3 ग्रुप जोड़ दिए, और ये CH3 एक तरह किसकी तरह व्यवहार करेंगे, प्रतिस्थापियों की तरह, और प्रतिस्थापी को हम ख्याल लिखते हैं आगे, और ये कितने प्रतिस्थापी हैं, यदि समान तरह के दो प्रतिस्थापी हो तो हम उनके लिए क्या लगाते हैं, डाई, तो हम क्या लिखेंगे, डाई, क्योंकि ये कितने मेथिल हैं, दो, तो डाई मेथिल कार्बिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कार्बिनॉल। अब देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC के लिए हमें पता है, हम सबसे पहले रूल पढ़ते हैं कि बी सेलेक्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन, हमको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है।